फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने टैन नंबर अभी अभी लिया है और आपके अभी तक एक भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो आप इनकम टैक्स साइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस पे आज का हमारा वीडियो है। क्योंकि इससे पहले क्या है कि जब तक आपने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं किया तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की हो और आपका अभी अभी टैन आपने अप्लाई किया है और आपको रिसीव हुआ है तो आप कैसे आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देखते हैं। पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जब आप जाएंगे तो अदर्स पे आप टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर सिलेक्ट करेंगे एंड आप अपना टैन नंबर यहाँ पर पुट करेंगे जो भी आपका भी रिसीव हुआ है। एंड देन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। इससे वैलिडेट हो जाएगा कि आपका जो टैन नंबर है वो सही है कि नहीं। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस एंड नॉट रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस। ये जो नॉट रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस वाला ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आप कैसे रजिस्टर हो सकते हो, आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड नहीं हो ट्रेसेस पे, इस पे ऑप्शन आता है। इफ देयर इज लास्ट फाइल रिटर्न फॉर एंटर्ड टैन, अगर आपने लास्ट रिटर्न फाइल की है तब भी आपका ट्रेसेस पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल में। उसके लिए उन्होंने आपको प्रोसीजर बताया है कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रेसेस रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा ट्रेसेस में और उसके बाद रजिस्टर विद ई फाइलिंग लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा जो रीडायरेक्ट करेगी आपको इनकम टैक्स पोर्टल में फॉर रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपका कोई भी रिटर्न फाइल नहीं है उस केस में आपको क्या करना है, इफ देयर इज नो लास्ट फाइल रिटर्न फॉर द एंटर्ड टैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक ऑन रीडायरेक्ट, यू विल बी रीडायरेक्टेड बैक टू बेसिक डिटेल पेज ऑफ ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए ट्रेसेस साइट पे जाना है। ट्रेसेस साइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पर रजिस्टर एज न्यू यूजर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, डिडक्टर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका टैन अगेन डालना है। और जो कोड है कोड आपको सही डालना है। इसके बाद आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, यू कैन नॉट रजिस्टर्ड ऑन ट्रेसेस एट प्रेजेंट ड्यू टू वन ऑफ द रीजन। ट्रेसेस साइट पे आप रजिस्टर नहीं हो सकते हो एट प्रेजेंट, बट आप ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पर अपनी बेसिक डिटेल कंप्लीट करके रजिस्टर हो सकते हो। क्योंकि ट्रेसेस पे आप क्यों नहीं हो सकते हो, यू हैव नॉट फाइल्ड एनी स्टेटमेंट। ट्रेसेस पे रजिस्टर करने के लिए हमें कोई भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। All the statement filed for financial year 9-10 and onwards are in cancel state, or all the statement filed for financial year 9-10 and onward are nil statement. जब भी हम ट्रेसेस पे रजिस्टर करने की बात करते हैं तो बहुत ही टीडियस वाला काम होता है, बिकॉज उसमें आपको जो आपने रिटर्न फाइल की है लास्ट फाइल जो आपकी रिटर्न में चालान आपने मेंशन करे या डिडक्टी की डिटेल्स मेंशन करिए, ये सब आपको पुट करना पड़ता है एंड देन उसके बाद ही ट्रेसेस में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट अब हमारे पास न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आ चुका है जिसमें टीडीएस की भी फैसिलिटी कि आप टीडीएस लॉग इन करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे ही आप बेसिक टैन नंबर डालेंगे देन उसके बाद आपका नेम ऑफ डिडक्टर ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। यहाँ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, एंड उसके बाद वो पैन नंबर अपने आप देगा। आपको पैन ऑफ ऑथराइज पर्सन पुट करना है। अगर प्रोपराइटर है तो पैन सेम होगा, एंड देन उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। बट इसके लिए आपको एक ध्यान ये रखना है कि आपका जो ब्राउजर सेटिंग्स है, ब्राउजर सेटिंग उसमें पॉपअप डिसेबल ना हो, पॉपअप वाला ऑप्शन एक्टिव हो। क्योंकि डिसेबल होगा तो आप रीडायरेक्ट नहीं हो पाओगे और वो आपको एक मैसेज थ्रो करेगा कि आपका पॉपअप डिसेबल है, आप उसको अनेबल करिए। उसके बाद अब हम इनकम टैक्स साइट पे आ चुके हैं। इसमें आपको बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा The name entered is not as per TAN. Please try again. अब आपको पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट कलेक्टिंग टैक्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ई फाइलिंग पोर्टल. अब जो भी पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा डिडक्शन कलेक्शन और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो भी ई फाइलिंग पोर्टल में रजिस्टर्ड होना चाहिए. देन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है और एड्रेस, पोस्टल एड्रेस देना है. ये ध्यान रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही वाला दें जिसमें ओटीपी रिसीव होगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओटीपी वेरिफिकेशन का है. इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आराम से आप लॉग इन करके रिटर्न फाइल कर सकते हो. ओटीपी डालने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है वो पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मेल कर दिया गया है और उनके अकाउंट जो इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर है वहां पर अप्रूवल के लिए जा चुका है. तो जो पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑथराइज्ड पर्सन का डाला था, उनके इनकम टैक्स लॉगिन में जाके आपको पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में ये आ जाएगा अप्रूवल के लिए, अप्रूवल और मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर आपको अप्रूव करना है. जैसे आप अप्रूव करोगे, ये कंफर्मेशन आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी, जो आपने मेल आईडी प्रोवाइड किया था वाइल रजिस्ट्रेशन, वहां पर चला जाएगा कि अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप लॉग इन कर सकते हो. तो ये स्टेप भी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप लॉग इन नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स पोर्टल में. तो ध्यान रहे, जो भी पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने डाला है, क्योंकि वहां पहले ही उन्होंने बोला था कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए था इनकम टैक्स पोर्टल में. तो इनकम टैक्स पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप वहां जाके लॉग इन करें और पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में आपके अप्रूवल का पॉपअप आ जाएगा, वहां जाके अप्रूवल करें. तो ऐसे आपका टैन रजिस्ट्रेशन विदाउट फाइलिंग ऑफ एनी रिटर्न, लेटेस्ट टैन का रजिस्ट्रेशन आराम से इनकम टैक्स पोर्टल में हो जाएगा. तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.